यूपी में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन शराब की दुकानों के लिए 3 घंटे की ढील दी गई है और शराब की दुकानें 3 घंटे के लिए खुलते ही दुकानों पर भीड़ लग गई। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, 3 घंटे की ढील दी गई है और इस ढील के दौरान शराब की दुकानों पर भीड़ लग गई है। यूपी में लॉकडाउन चल रहा है, शराब की दुकानें भी बंद थी, लेकिन 3 घंटे की ढील देने पर क्या स्थिति देखने को मिली, क्या तस्वीरें सामने आई, इसकी जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगाते समय लोगों को शराब लेने का तो ख्याल है, लेकिन कोविड का ख्याल दिमाग से निकल जाता है। बिल्कुल, इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर के अट्टा मार्केट पे खड़ा हूँ। जैसे ही ये खबर मिली कि शराब के ठेके दिन में कुछ वक्त के लिए खुलेंगे, तो उसके बाद से ही लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे जुटनी शुरू हो गई। शुरुआत में आप थोड़ी सी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, लेकिन जैसे जैसे ये लाइन लंबी होती जाती है तो जो कोविड प्रोटोकॉल है वो भी टूटता हुआ नज़र आता है। कहीं पे भी अब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक लाइन में एक सब खड़े हुए हैं, लेकिन कई जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और यहाँ पर पुलिस भी आके अनाउंस करके गई है कि जो अगर ढिलाई दी गई है थोड़ी वक्त के लिए शराब बेचने की अनुमति दी गई है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यहाँ से आप शराब खरीद के जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली थी, करीब 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही यहाँ लोग जुटने शुरू हो गए थे और शराब खरीदने के लिए लंबी लाइनें, लोगों से ही बात करते हैं। ये कब आपको पता चला था कि खुले? ये 1 घंटे पहले। वैक्सीन लगवाई है आपने? वैक्सीन लग गई अभी? तो वैक्सीन ज़रूरी है या शराब ज़रूरी है? नहीं, वैक्सीन ही ज़रूरी है। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से आए। दिल्ली में बंद है इसलिए अब नोएडा में है? यस, हाँ जी। बिना शराब के कितने दिन रहे? बिना शराब के 10 दिन रह चुके हैं। अब तो छूट जानी चाहिए, यह ऐसी लती नहीं है छूट जाए। तो देखिए, दिल्ली से भी लोग आए हैं क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है और शराब के ठेके बंद है। आप कहाँ से आए हैं? आप न्यू अशोक नगर से। न्यू अशोक नगर से आए हैं? हाँ जी। दिल्ली में बंद है इसलिए और मिलते हैं जी सर? दिल्ली में ठेके बंद है यहाँ पर, इसलिए नोएडा आए हैं। हाँ जी। तो देखिए अवस्थी अदिति, जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन है और जैसे ही ये खबर मिली कि शराब के ठेके उत्तर प्रदेश में खुल गए हैं, नोएडा में थोड़ी देर के लिए ढील दी गई है, तो उसके बाद से लोग दिल्ली से जो नोएडा आए हैं, ऐसे में लॉकडाउन का क्या महत्व रह जाता है, जबकि दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लोग बिना कर्फ्यू पास के नोएडा में आ रहे हैं, आते शराब खरीद के वो वापस ले जाएंगे। यानी कि जो पहला मौका नहीं है जब लॉकडाउन लगा हो और लॉकडाउन के खुलने के बाद या लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद शराब की दुकानों पर ऐसी लाइन लगी हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि लोगों में भी इस बार डर बहुत है। ये शराब की लाइनें जो हम देख रहे हैं, जो कतार देख रहे हैं शराब की दुकानों के बाहर, उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि लोगों में बहुत डर है? बिल्कुल अदिति, जो ये आप लाइन देखेंगे और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन रहा है, उसके बाद लोग सट के एक दूसरे से खड़े हुए हैं, तो दो दहशत और डर इस कोरोना की इस वेव को देखने के बाद लोगों में था, लेकिन अब वो यहाँ पर आने के बाद कम से कम दिखाई नहीं देता है। लोगों की सबसे पहली ज़रूरत है इस वक्त यहाँ जो लोग मौजूद हैं, वैक्सीन नहीं बल्कि शराब है, ताकि वो जो काफ़ी दिनों से जिन्होंने शराब नहीं पी वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे और शराब ले और लेके वो दिल्ली चले जाए। ज़्यादातर लोग इस पर आप कहाँ से आए हैं जी सर? कहाँ से आए हैं? हरोला से। हरोला? हरोला। हरोला से। कब पता चला था ठेका खुल गया? मुझे करीब 2.5 घंटे पहले। सीधे आप भागे हुए यहाँ पे? नहीं, भाग के तो नहीं आया, खैर पता लगा उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद, किसी ने मंगाई है उसके लिए लेके आया। वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन तो मेरे नहीं लगी अभी। नहीं लगी जी सर। तो देख लिए ये अदिति, यहाँ पर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग आनंद फानन में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जितने भी शराब की दुकानें हैं गौतम बुद्ध नगर में, हर जगह लगभग लगभग इसी तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है, लिहाजा दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है।
दिल्ली से भी जो लोग आ रहे हैं प्रमोद, तो दिल्ली से नोएडा आने में या फिर एनसीआर के किसी और गाजियाबाद या कहीं जाने में इन लोगों को किसी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं हुई, किसी तरीके की रोक टोक नहीं है बॉर्डर पर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली में, तो ऐसे में इंटर स्टेट मूवमेंट कैसे हो रहा है? बिना जो पास के, कर्फ्यू पास के लोग आ जा रहे हैं, बाकायदा यहाँ पर लाइन में लगने के बाद शराब खरीद रहे और वापस फिर बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है कि बॉर्डर पे किस तरीके की चेकिंग है, यानी कि जिस तरीके का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए था या फिर जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसे पालन करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं प्रशासन चूक रहा है हर तरीके से जो है, हर तरीके से जो गाड़ियों की। एक और सवाल, 1 बजे तक शराब की दुकान खुलनी थी, 6 से 7 मिनट रह गए हैं 1 बजने में, इतनी लंबी लाइन है, तो क्या जितनी लंबी लाइन है सबको शराब दी जाएगी, उसके बाद ही ये दुकानें बंद होगी, क्योंकि 1 बजे तक का ही तो समय है? देखिए, खुद हम जो शराब के ठेके हैं इनके मालिक थे। सर ये बताइए, सर कब से कब तक खुलने का टाइम है? भैया अभी से कुछ वो नहीं आया, कोई नहीं आया इसके बारे में। कोई जानकारी है कि इतने बजे से इतने बजे तक ठेका खुलेगा? 6 बजे तक। 6 बजे तक? अच्छा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जितने लोग हैं उनको शराब मिल जाएगी? जी, जितनी लाइन है इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, उसके लिए आप लोग कुछ बोल रहे हैं? शराब भैया मालिक खत्म है शराब। देखिए, यहाँ पर जो जानकारी है लोगों को कि शाम को 6 बजे तक यहाँ पर ठेके खुलने की अनुमति है। ये आप कहाँ से आए? सर ये नोएडा से, सेक्टर 15 से, जुग्गी से। सर आप? सेक्टर 18 से, नोएडा सेक्टर 8 जी। सेक्टर 16। और सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन लगा नहीं। वैक्सीन ज़रूरी है, शराब ज़रूरी है, चीज जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या? वैक्सीन। तो प्राथमिकता दिख रही है यहाँ लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। तो यूपी में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब शराब की दुकानों पर ढील दी गई तो कैसी तस्वीरें देखने को मिली? साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दे कि नोएडा में 10 से 6 तक ये ढील दी गई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।